और भाई क्या खतरनाक स्टेप्स है ये देखो। ओहो आराम आराम से जाना होगा, थोड़ा सा भी इस पे तेज होंगे। तो गाइस ये देखो हेलीकॉप्टर आ रहा है हमको लेने को। आजा भाई इधर। अरे इधर कहाँ भाग बात करते हो, इतना प्यारा लोकेशन हो और हमारा रात में भी इतना मजा है। सुबह सुबह मुर्गा चिल्ला रहा है, सुबह सुबह 12:30 हो गया, 12:25 और मुर्गा भी चिल्ला रहा है। ये पहाड़ों का मुर्गा तो मतलब पता नहीं क्या हो गया। तो एवरीवन अगेन हेलो नमस्ते आदाब अस्सलाम वालेकुम, दिस इज योर बॉय हमजा मुर्तजा। अब अपना नाम बताइए, आपको लोग जानते तो ऐसे मेरा नाम आजाद है। हेयर इज योर बॉय मिस्टर आजाद। तो फिलहाल आज की सुबह तो हम लोग की बहुत सुबह हुई थी, ब्लॉग थोड़ा ही सुबह हो गई थी, ब्लॉग थोड़ा आज हम लेट स्टार्ट किया। एक्चुअल में हम लोग का पिछला 3-4 दिन से बहुत ज्यादा ट्रैवल कर रहे थे तो बहुत ज्यादा थक गए थे, और रेगुलर बाइक बेसिस पे जो है बाइक कार ये वो, तो हमने सोचा कि आज हम थोड़ा आराम करेंगे और आराम से निकलेंगे। दैट्स व्हाई वी आर। पिछले 3 दिन का अगर आपने व्लॉग देखा होगा, Day 1, Day 2, Day 3 नॉर्थ सिक्किम का एकदम तगड़ा तरीके से हमने एडवेंचर किया, कुछ खतरनाक पूरा घूमा। तो हम लोग का प्लान ये था सुबह 6 बजे दार्जिलिंग को निकल जाएंगे, रात में हम लोग इस होटल में आ गए थे गैंगटॉक, और ये देखो नजारे आप। लेकिन आजाद भाई ने कहा कि भाई 3 दिन से तो हम लोग यही कर रहे हैं, आज थोड़ा आराम करते हैं, थोड़ा लेट से निकलेंगे। तो बस अब हम लोग पैकिंग वैकिंग कर रहे हैं, थोड़ी देर में ऐसे निकलेंगे और आज से फिर आपको मोटो ब्लॉगिंग दिखेगा। हीरो लग रहे हैं आप तो। एनीवे आपने अगर नोटिस किया होगा तो हम दोनों भाई ने सेम टी शर्ट पहना है मैचिंग में। बाय बाय। तो जी भाई साहब इस होटल का आपको थोड़ा बहुत रूम वूम दिखा देते हैं, क्योंकि पर्सनली मुझे ये होटल बहुत अच्छा लगा, सब चीज बहुत सही है। डे वन जब हम आए थे ना तो हमारा जो रूम मिला था वो एकदम ग्राउंड फ्लोर में मिला था, तो मतलब वो सही से व्यू नहीं आ पा रहा था। तो भैया ने जब मेरा व्लॉग देखा तो जब हम आज मतलब कल रात में आए थे इधर, तो भैया ने बोला आज आप लोग को बढ़िया वाला रूम देंगे, तो वो व्यू वाला वो कोने वाला रूम है हमारा एक, ये वो रूम तो पूरा मतलब हमने गंदा कर दिया है। तो अभी आप ये रूम देख लो, एकदम चेक का नीट एंड क्लीन रूम है, तो ऐसा ही रूम है। बाकी हर रूम से अपना अपना अलग अलग व्यू है, तो ये आप व्यू देख सकते हैं यहाँ से, दिखा देता हूँ। ये देखिए हर रूम का अपना अपना व्यू है, फिलहाल हमारे रूम से बहुत अच्छा व्यू है, तो यही है। तो जी भाई साहब हमारा जो हेलमेट, हमारा जो क्राउन था, हमारा जो बेबी है प्यारा सा छोटा, तो ये आपको पता है अगर आपने वाला व्लॉग देखा होगा तो मेरा हेलमेट यही था। तो अभी हमें हेलमेट में गोप्रो लगाना है, माइक सेटअप करना है, बैग रेडी है, तो बस निकलते हैं जल्दी से। और आज के इस वीडियो में हम आपको घुमाएंगे दार्जिलिंग। एक्चुअल में जो हमें दार्जिलिंग घूमना था वो हमारा डे वन का ही प्लान था, बट हमने कहा पहले थोड़ा एडवेंचर करते हैं फिर आएंगे दार्जिलिंग वार्जिलिंग, तो बच्चे लोग जाते, तो घुमाते हैं आपको हम दार्जिलिंग। लेट्स गो। बाइक तो एकदम चमक गई। थैंक यू भैया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बाइक सच में बहुत गंदी हो गई थी, हम मुजफ्फरपुर से चले थे यहाँ तक। हाँ और कुछ दो दे रहा है आप दोनों। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू आपका। अब यहाँ से हम लोग दार्जिलिंग निकलेंगे, बाइक तो एकदम चमक गई भाई। तो फाइनली हमने दार्जिलिंग का मैप लगा लिया, यहाँ से 3.5 घंटे का रास्ता दिखा रहा है, 97 किलोमीटर। ठीक है भैया, फिर आएंगे, फिर मिलेंगे, एंड थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया था भाई, सब कुछ बहुत अच्छा था यहाँ पे। सबसे बढ़िया तो हमारा बाइक यहाँ पे 2-3-4 दिन तक पार्किंग में था, एंड द सेकंड थिंग के भाई बाइक भी धुल गया। बाय बाय। लड़कियाँ बड़ी देर से बड़ी ध्यान से देख रही थी, मैंने बाय बाय कर दिया, उन लोगों ने भी बाय बाय बोला। और भाई साहब क्या खतरनाक रास्ता है, काफ़ी दिन के बाद बाइक। तो भाई साहब जिस दिन हम गैंगटॉक आए थे, गैंगटॉक में चौक पे ही मुझे ना पुलिस ने पकड़ लिया था, एंड शी वाज लाइक गाड़ी यहाँ से क्यों घुमा दिया। मैंने बोला अरे मैम तो किधर, कहती है हाईवे से गाड़ी क्यों घुमाया। मैं बोला मैम हाईवे किधर है, ये तो गली है, तो यही हाईवे है भाई, ये नेशनल हाईवे है। तो जी भाई साहब पिछला जो 3 दिन का हमारा ट्रिप जो था नॉर्थ सिक्किम का, वो बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही लाजवाब था, बहुत मज़ा आया, लिटरली मैं बता रहा हूँ। बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने को मिला, और थोड़ा सा ये भी रहा कि भाई बाइक से जाते तो ज़्यादा मज़ा आता, बट कोई नहीं, बस से कार से जाने से हमें आइडियाज़ तो मिल गया कि कहाँ रुकना है, कैसे जाना है, क्या करना है, सारी चीज़ें। तो नेक्स्ट सीज़न में इंशाल्लाह मैं ज़रूर से एक बार ये बाइक से कवर करूँगा, क्योंकि बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है, बहुत सारे बाइकर्स मुझे उधर दिखे थे, बट कोई नहीं, सब अच्छे के लिए होता है। फिलहाल इस वक्त टाइम हो रहा है 1:22 और हम लोग निकल रहे हैं दार्जिलिंग की तरफ, तो गैंगटॉक को बाय बाय रहेगा,
बहुत मजा आया। गैंगटॉक में वैसा कुछ तो है नहीं, मतलब एक एमजी मार्ग है और बाकी आप साइट सीइंग के लिए तो कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी खड़े हो जाओ आपको दिखता ही रहेगा, अमेजिंग अमेजिंग व्यूज़ है। और भाई जब भी मैं ऐसे कपल्स को देखता हूँ ना, थोड़ा सा दिल दुखता है थोड़ा सा, कि यार मैं भी तो थोड़ा डिजर्व करता हूँ, अकेले कब तक ऐसे घूमूंगा, कोई तो आ जाओ मेरे बाइक के पीछे, साथ में दुनिया घूमेंगे एक्सप्लोर करेंगे, मज़ा आएगा ना। पता नहीं ये सपना कब पूरा होगा, सपने देखने चाहिए, सपने पूरे होते हैं। भाई गाड़ी ना ऊपर चढ़ाने से खतरनाक, गाड़ी नीचे उतारना, ऊपर से ऐसे ऐसे स्लिप, ऊपर से मेरा हैंडल ऐसा लग रहा है कि एकदम फ्री हो गया, 3 दिन के बाद गाड़ी चला रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा थोड़ा डर सा लग रहा है। एंड एक और प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना कि मुझे ठंड लग रही है, मुझे लगा रहा है नॉर्मली होगा, क्या ही ठंड होगा, वो देखो पैराग्लाइडिंग हो रहा है इधर। ओह भाई क्या खतरनाक, मेरा बाइक अभी स्केट किया। तो मैंने जीन्स भी ऐसा ये वाला पहन लिया था फटा हुआ थोड़ा फैशन के लिए, और अभी मुझे पाँव में हल्का हल्का ठंड लग रहा है, हाथ में यहाँ पे पैराग्लाइडिंग हो रहा है भाई, वो देखो पैराग्लाइडिंग हो रहा है वहाँ से, और यहाँ पे लैंडिंग पॉइंट है। वाह गाड़ी तो भाई, मतलब मैं ऑफ भी कर दूँ तो गाड़ी चलती रहेगी, डाउन है पूरा डाउन है। तो कितना स्पीड में जा रहा है, 55-56 के स्पीड में जा रहा है गाड़ी, मैं न्यूट्रल पर डाल देता हूँ, गाड़ी देखो मेरी न्यूट्रल है, ब्रेक लेना पड़ रहा है स्पीड स्लो करने के लिए, ये देखो 38 और ये रहा पैराग्लाइडिंग। तो ऐसे जाके उधर जाने का है, वहाँ से नीचे जाना है मुझे, और ये देखो क्या क्रेजी सीन्स है, यहाँ अपनी बाइक है, यहाँ एक हिमालयन है, वेस्ट बंगाल कोई लेडी है जो कि खतरनाक टाइप से पूरा, ओहो क्या क्रेजी सीन है ना, अमेजिंग जस्ट अमेजिंग भाई साहब। तो जी भाई साहब यहाँ से अगर आप सीधा जाओगे तो सिलीगुड़ी चले जाओगे, गैंगटॉक से अगर आप रिटर्न आ रहे हो तो, ये वाला जो ब्रिज है उससे आपको बस लेफ्ट लेना है एंड देन इधर आपको नीचे जाना है। तो जाके आप कहाँ जाओगे पता है ना, हम लेके जा रहे हैं तो दार्जिलिंग। और ये ग्रीन ग्रीन जेसीबी, येलो दिखता था भाई साहब, लकड़ी वाला ब्रिज। ओ हो आराम आराम से जाना होगा, थोड़ा सा भी इस पे तेज होंगे तो गाड़ी इधर उधर हो जाएगा। ये देखो वाटरफॉल छोटा छोटा। ओ भाई क्या रास्ता है, आप गलती से भी ओवरटेक करने का नहीं सोचना है, एकदम आराम आराम से चलना है, जैसे जैसे जगह मिलेगा वैसे वैसे बढ़ाना है, थोड़ा सा भी भाव भी जल्दी किया ना तो। अभी देखो यहाँ पे भी कर्व है, कोई नहीं है ओके, बहुत सोच समझ के पढ़ना पड़ता है क्योंकि दिखता नहीं है ना ऊपर में कौन आ रहा है नहीं आ रहा है, और आप अगर मान लो बढ़ा दोगे सडन वो ऊपर से आएगा ना तो उसकी गाड़ी रुकेगी भी नहीं, आप सीधा नीचे ठोकेगा आपको सीधा वो, इसलिए अपने साइड पे चलो, भले ही 5 के स्पीड में चलो 10 के स्पीड में चलो अपने ही साइड पे चलो, इधर उधर थोड़ा सा भी किया अगर तेज, अब जैसे यहाँ से टर्न है, अब मैं उधर जाके टर्न करूँगा मुझे दिखेगा नहीं, और सामने वाला अगर आएगा तो वो रुकेगा थोड़ी हमारे लिए, वो तो ठोक चुका होगा, तो इसीलिए बी केयरफुल। देख रहे हो आप, ओ माई गॉड क्या खतरनाक, ओए क्या जबरदस्त है भाई, लाजवाब, क्या मस्त टर्न है भाई, पूरा जीरो, मतलब पूरा ऐसा जीरो बना दिया गया है यहाँ पे, तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जो टेस्ट राइड होता है वो तो यही होना चाहिए। और भाई क्या खतरनाक स्टेप्स है, ये देखो ये सब एक अलग एक्सपीरियंस है। ओके उधर जा रहे हैं, अपने साइड आ जा हमजा, हाँ
भाई पूरा ये तो मतलब यार कैसा वाला है, ऊपर से देखने में तो मजा आ जाएगा वाला रास्ता, ऐसे 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 है। डू नॉट यूज सेल फोन वाइल ड्राइविंग, यहाँ पे कौन यूज करेगा भाई, जिसको अपने जान से बिल्कुल प्यार नहीं होगा वही यूज करेगा, इतना खतरनाक है। अरे भाई और लाजवाब भाई, ये सब जो एक्सपीरियंस है ना आपको कार से आने में नहीं मिलेगा, बाइक से ही आने का मजा है इन सब जगहों पर। वो तो यार हमें परमिट नहीं मिला, वरना हमारा प्लान ये था कि नॉर्थ सिक्किम हम कम से कम 4 से 5 दिन पूरा एक्सप्लोर करते दबा के दम ज़बरदस्त तरीके से, बट कोई नहीं, अभी हमारी गाड़ी 850 किलोमीटर हो गई है, दार्जिलिंग जाते आते आई थिंक 1000 किलोमीटर हो जाएगी। हमारा जो प्लान था 2000 किलोमीटर का था, लेट्स सी कितना किलोमीटर होता है और हम घर पहुँचते हैं, तो अभी तो दार्जिलिंग पहुँच जाए पहले। भाई साहब व्हाट अ ब्यूटीफुल लोकेशन इट इज, हाँ ऐसा जगह हो इतना खूबसूरत सा और अपन गाड़ी नहीं रोके, ऐसा कैसे हो सकता है। रुको रुको सबर करो, गाड़ी लगाने दो फिर तो दिखाएंगे ना, सही से लग तो जाए। वाह ओह माय गॉड, तो स्वागत है आपका दार्जिलिंग में। हाँ जी भाई साहब क्या बात करते हो, इतना प्यारा लोकेशन और हम और आजाद भाई रील्स ना बनाए, प्यारे आजाद है ना, इतने प्यारे आजाद भाई और हम लोग रील्स ना बनाए और वीडियोस ना ले, ऐसा कैसे हो सकता है। चाय पत्ती का बागान है पूरा, है ना, और इसमें आपका कौन सा है, आपका तो साल बारी में बहुत इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ। आइए थोड़ा चाय के बारे में नॉलेज लीजिए, आप नॉलेज। आप ग्रीन टी पीते हैं? यस मैं नहीं पीता हूँ। ये जो लीफ देख रहे हैं ना, ये लीफ ये ग्रीन टी, ठीक है, जब इसको आप कहीं भी रखिए सुखा दीजिए इसको, ठीक है, सूखने के बाद ये प्रोसेस करके एक ग्रीन टी बनती है और एक चाय होती है, और ये सबसे महंगी होती है ना। हाँ ये सबसे एक्सपेंसिव होती है, वो तो हमने उस वाले वीडियो में भी बताया था, अगर आपने देखा होगा वो पहला वाला वीडियो। इसी में जो नीचे की लीफ है टोटली ग्रीन है, ये जैसे ये देखिए टोटली ग्रीन है, ये CTC है जो हम लोग घर में चाय पीते है ना। आजकल ना आजाद भाई चाय पत्ती का खेती कर रहे, तो हम लोग फुल नॉलेज में आ चुके हैं एकदम मदरनाथ तरीके से। ओके तो अभी हम लोग यहाँ पे कुछ खाएंगे पियेंगे, और 3 दिन तो हम लोग ट्रिप पे थे तो बहुत सारे लोग थे, तो हम लोग सही से ना टाइम स्पेंड कर पाए, इतना कुछ काम में अलग बिजी, अब हम सिर्फ दो वहाँ यहाँ। चलो सो गाइस फाइनली अपनी मैगी आ गई है बड़े से प्याले में, आजाद भाई एज ऑलवेज बिजी, और ये देखो अपनी गाड़ी और ये वाला नजारा भाई, मतलब मैंने जानबूझ के गाड़ियां लगाई है ताकि मैं देख के यहाँ पे मैगी खाऊंगा बैठ के, इधर मस्त मजा आएगा भाई। चीयर्स। Cause when I hear ya sing through my speakers, it's like my mind takes a hold of me. सो फाइनली भाई साहब इट्स 4:49 और ये नज़ारे, यहाँ पे हमने मैगी खाया, चाय पिया, बहुत सारा फोटोज एंड वीडियोज लिया, नाउ आई एम रेडी टू रोल। और अभी यहाँ से भाई दार्जिलिंग ऑलमोस्ट 29 किलोमीटर है, तो कम से कम तो 1 से 1.5 घंटा तो लगेगा अभी, क्योंकि भाई बहुत खतरनाक वाला चढ़ाव है। सो चलते हैं, अच्छा जगह यहाँ पे लोग आते हैं फोटोज वीडियोज लेते हैं। आजाद भाई चले गलती से भी क्लच लगा ना, गाड़ी सीधा नीचे जाएगा। वेलकम इन दार्जिलिंग क्वीन ऑफ हिल्स। सो भाई साहब फिलहाल तो हमने दार्जिलिंग में ना होटल बुक किया है ना ही कुछ, पता नहीं जाने के बाद होटल मिलेगा कि नहीं और कब तक पहुँचेंगे। 5 बजने को है, 10 मिनट बचा हुआ है, पहुँचते आई थिंक 6 बज जाएगा, क्योंकि रास्ता बहुत ही ज़बरदस्त है, अभी भैया ने बताया मुझे एकदम खतरनाक ऐसे ही चढ़ाई है, तो आराम आराम से जाएंगे ये नज़ारे का एंजॉय करते हुए, लेकिन गाड़ी चलाते हुए बिल्कुल भी उधर नहीं देखना है और ना आगे से कोई आएगा पुई करते हुए उड़ा देगा। हो मज़ा आ रहा है यार, दैट इज़ लाइफ ब्रो, घर में बैठ के क्या करोगे, घर में बैठ के करोगे क्या, उठो घूमो, वाह क्या क्रेजी फ्लावर्स है ना यार। पता है हम और आज़ाद भाई दो ही लोग हैं, कोई तीसरा बंदा होता ना साथ में, कोई गाड़ी में बैठा होता हमारे साथ तो मस्त मस्त मैं वीडियोस बनवाता यार, बाइक चलाते हुए क्या मस्त वीडियोस आएगा ना यहाँ पे। कोई नहीं, हम इधर फिर से आएगा, पूरा एक ग्रुप बना के आएगा, ट्रिप प्लान करके आएगा, तो हमारे बाइकर्स गैंग, आर यू गाइस रेडी? अगर रेडी है तो बचाओ, हम लोग आएंगे, ठीक है। कितना सुंदर रास्ता है यार, ये पीले पीले जो फूल है इतना सुंदर सुनहरा लग रहा है, और ये शाम ओहो बहुत प्यारा है भाई। मैं क्या कर रहा था पिछले 20 सालों से, हाँ जिंदगी का 20 साल काट लिया इन सब जगहों पर नहीं आया, बताओ बहुत खतरनाक चढ़ाव है भाई। और जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जा रहे हैं ठंड लग रही है हमें पाँव में, क्योंकि मेरा जो जीन्स है ये वाला फटा हुआ है, मैं जाके सबसे पहले तो जीन्स चेंज करूँगा भाई ऊपर। ओहो भाई साहब अभी तक ग्लव्स का ज़रूरत नहीं समझ में आया था, लेकिन अभी खतरनाक
पूरा हाथ जम गया मेरा आपका। बाप रे, रास्ते में रुके हैं अभी, यहाँ से 10 किलोमीटर है ना गए अभी यहाँ से दार्जिलिंग, किलोमीटर और है भाई। सोच भाई साहब फाइनली इस वक्त 6:19 हो चुके हैं और हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं दार्जिलिंग। ये सामने मॉल रोड है। आजाद भाई हमें छोड़ के इधर गए हैं होटल ढूंढने। और एक चीज दिखाऊं, यहाँ गाड़ी पार्क कर दिया आजाद भाई ने और यहाँ बोर्ड लगा हुआ है नो पार्किंग का। अब मैं टेंशन में हूँ कोई आ गया चलान काटा तो क्या होगा। एनीवे मेरा गोप्रो को भी अभी डिस्चार्ज होना था भाई, इतना मस्त मस्त रास्ते में सीन दिख रहा था। बट कोई नहीं, पहले होटल आ जाता, होटल मिल जाता फिर निकलेंगे तो फिर घूमेंगे। तो जी भाई साहब हमारा तेल वेल नहीं खत्म हुआ, यहाँ पे रिवाज है आप गाड़ी चला के नहीं ला सकते हैं। बहुत देर मतलब हम लोग को वहाँ से लेके घुड़का के आना पड़ा और यहाँ गया फिर आजाद भाई की गाड़ी, छोटे छोटे बच्चे लोग। तो भाई साहब फाइनली हम लोग ने होटल ले लिया है, मस्त पार्किंग मिल गया भाई। दार्जिलिंग में सीन क्या है ना कि पार्किंग खोजोगे तो होटल नहीं मिलेगा और बाइक अगर पहाड़ में लगाओगे सुबह बाइक नहीं मिलेगा। तो हमें हजार रुपए में होटल मिल गया है, रूम थोड़ा ठीक है मतलब बस एडजस्ट कर लेंगे क्योंकि हमें बस रात में सोना है, बाकी सुबह उठ के तो घूमना ही है। बाइक का सामान वामान अनलोड करते हैं, इधर बाइक लगाते हैं। तो आजाद भाई की बाइक इधर लग गई, मेरी बाइक इधर लग गई, टेंशन खत्म, अब हम लोग घूमेंगे।